हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथन। ट्रिगोनोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चला है। ये कब आया था? एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2017 में पूछे गए थे। व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क हुज लेंथ इज 11 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। क्या आपको ये पता है थीटा इक्वल्स टू ए एस अपॉन आर होता है, जहाँ पे ये एक सर्कुलर है, ठीक है, सर्कल है, ये रेडियस है। अगर सपोज एस आर्क के कारण, एस लेंथ के आर्क के कारण वो एंगल कहाँ पे जनरेट करता है, सेंट्रल एंगल में थीटा प्रोड्यूस करता है, तो अगर ये रेडियस आर है थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर हो जाता है। तो क्या लोगे सर, यहाँ से आपको थीटा प्रोड्यूस करना है, तो एस के वैल्यू क्या है सर, पता नहीं, लेंथ का वैल्यू दिया हुआ 11 और आर के वैल्यू कितना है सर, 14, तो 11 अपॉन 14 आ गया। अच्छा ठीक है, तो ये कितना होता है सर, थीटा इक्वल्स टू 11 अपॉन 14 रेडियन, ये रेडियन आ गया। तो इसी को, रेडियन को हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो सर 11 अपॉन 14 गुना 180 अपॉन पाई, ठीक है, तो इस पाई का हिसाब लगाते हैं। हाँ सर, 11 अपॉन 14 लगाओ। अच्छा 11 अपॉन 14 लगाओ, उसके बाद 180, ये 180 होगा, 180 अपॉन 22 ऊपर 7 कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, 11 दुना 22 तो 7 दुना 14, 2 9 18, सर 2 45 90, तो 45 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।